दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है गोपीनाथम विलेज से, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता था। और यहाँ पर सन 1952 ईस्वी वीरप्पन का जन्म होता है, जो कि किसी को भी नहीं पता था ये इंडिया का इतना बड़ा डाकू बनेगा। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी जिंदगी पहले तो नॉर्मल थी। वो धीरे धीरे वहां पर बड़ा हो रहा था गोपीनाथम विलेज में, लेकिन उस इलाके में काफी ज्यादा गरीबी थी, काफी ज्यादा भुखमरी थी। इस चीज को दूर करने के लिए वहां पर ना कोई मार्केट था, ना कोई भी चीज नहीं था। तो इस चीज को दूर करने के लिए जो वीरप्पन होता है, वहां पर एक चीज तो सबसे ज्यादा थी, वो था एमएम हिल्स के जंगल। वहां पर वीरप्पन जाता है अपनी गन को लेकर, लगभग 5 लोग उसके साथ होते हैं। पांचों लोग जाते हैं और वीरप्पन देखता है एक हाथी वहां पर होता है, उसके सर पे एक गोली मारता है धाए से, जिससे वो हाथी गिरता है और ये लोग हाथी को पकड़ते हैं। और उस समय हाथी के जो दांत थे काफी महंगे बिक रहे थे, तो ये हाथियों को मार मार के उनके दांतों को था। गिरोह था काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, लगभग 20-30 लोग यही काम किया करते थे। रोज जाएं हाथी मारते 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 ये लोग गोपीनाथम से आगे बढ़ते, हाथियों का शिकार करते करते तमिलनाडु के कई इलाकों में और कर्नाटका के इलाकों में पहुंच चुके थे। इन्होंने लगभग लगभग 1500 से 2000 हाथियों तक को मार दिया था। अब इस चीज को रोकना भी काफी ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए जो वहां की फॉरेस्ट टीम थी उसको पता लग रहा था कि यहाँ पर कोई है जो हाथियों का ऐसा शिकार कर रहा है, जिससे हाथियों की तादाद काफी ज्यादा कम हो रही है। जो वहां की फॉरेस्ट टीम होती है वो पुलिस टीम से वहां की मदद मांगती है, लेकिन पुलिस टीम अभी भी वहां की सो रही थी, कोई भी काम नहीं करती। और ये इधर वीरप्पन जो होता है, लेकिन अब वहां पर हाथी जितने भी थे वो खत्म हो चुके थे। अब वीरप्पन का जो धंधा था वो भी काफी ऐसे कमजोर पड़ चुका था, इसलिए वीरप्पन उसी जंगल में घूमते घूमते तभी वीरप्पन को पता चलता है यहाँ पर एमएम हिल्स के जंगलों में चंदन के काफी ज्यादा पेड़ हैं, जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं। उसका तेल जो बनता है और उसकी खुशबू काफी ज्यादा विदेशों में काफी महंगा बिकता है। वीरप्पन जो था हाथियों का शिकारी से सीधा चंदन की लकड़ियों का तस्कर बन चुका था। ये अपने ग्रुप को लेके जाता था, लोगों को ये बताता था कितने पेड़ काटने हैं। पूरे एमएम हिल्स के जंगलों में एक तरफा इसका राज चल रहा था वीरप्पन का। ये लकड़ियों को काटे और उसको चंदन की लकड़ियों को बेचता रहता था। इसको काफी ज्यादा कमाई हो रही थी, इस काफी ढेर सारी चीजें लाते हैं। जो अब वहां की पुलिस थी वो भी एक्शन में आ चुकी थी। पुलिस जो होती है वो फॉरेस्ट टीम के साथ मिलकर एक दिन वीरप्पन पे एक्शन का प्लान करती है कि इसको अब गिरफ्तार करेंगे। वहां की लगभग पुलिस निकलती है गाड़ी में बैठ के, और फॉरेस्ट टीम भी निकलती है। दो गाड़ी निकलते बढ़ते वीरप्पन जहां पर लकड़ियों को लाद रहा था उसी पे अटैक करती है। काफी देर तक फायरिंग होती है, वीरप्पन की जो जितनी भी चंदन की लकड़ियां होती हैं सारी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। जो उसकी गाड़ी होती है उसमें आग लगा के चली जाती है, आग लगा के मतलब पुलिस वाले चले जाते हैं। तो जो वीरप्पन का आदमी होता है वो आके वीरप्पन से बताता है, ऐसा ऐसा हुआ है, पुलिस वालों ने हमारी सारी चंदन की लकड़ियां लूट ली और हमारी गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे वीरप्पन काफी ज्यादा गुस्से में था। अब वीरप्पन को बदला लेना था इन फॉरेस्ट वालों से। वीरप्पन काफी ज्यादा शातिर था, वो अपनी टीम को लेके एक दिन ऐसे बिल्कुल छुपा रहता है। फॉरेस्ट की टीम आती है, वो छुपे छुपे अचानक से उसकी गाड़ी जैसे स्लो होती है हमला करता है और गोलियों से 4 पुलिस वालों को एक ही दिन में मार देता है, जिससे जो तमिलनाडु सरकार थी बिल्कुल ही हरकत में आ गई थी। तमिलनाडु सरकार एसटीएफ का गठन करती है और चुनिंदा तमिलनाडु के ऑफिसर को बुलाती है ताकि वीरप्पन पकड़ा जाए। वहां के जो चुनिंदा ऑफिसर होते हैं टाइगर, शकील अहमद, श्री कृष्ण राव, ये सारे लोग आते हैं। ये खास थे 3 ऑफिसर और इनके साथ बहुत से लोग थे एसटीएफ में। तो इन्होंने मतलब हर घर में जा जाके वीरप्पन की तलाश शुरू की। एमएम हिल्स के जंगलों में वैसे वीरप्पन को ढूंढना जैसे भूसे में कोई सुई ढूंढना, ऐसा था। फिर एक दिन खबर आती है वीरप्पन की वाइफ इस गांव में है। कुछ पुलिस वाले जाते हैं तो वहां पर पूछते हैं, लेकिन वो गांव वाले बिल्कुल नहीं बता रहे थे। पुलिस वालों ने उन गांव वालों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया और उनको काफी ज्यादा मारा, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कबूला, नहीं मानने वाली थी। एसटीएफ लगातार आगे बढ़ती रहती है, तभी वीरप्पन का एक आदमी पकड़ती है वो,
और पकड़ने के बाद उसको गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वीरप्पन का काफी ज्यादा खास आदमी होता है जो वीरप्पन को काफी ज्यादा बंदूक सप्लाई ये सारी चीजें करता था। उसकी मौत के बाद वीरप्पन को इतना गुस्सा आया, पुलिस वाले जो एसटीएफ वाले थे काफी ज्यादा मतलब उनको कॉन्फिडेंस हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस कि हम बहुत ही जल्दी इस वीरप्पन को पकड़ लेंगे, इसका इनकाउंटर कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। वाले उसी में बैठे रहते हैं चौकी में, तभी आधी रात को जो वीरप्पन होता है लगभग 2 बजे पुलिस चौकी पर हमला कर देता है। दाएं दाएं गोलियां चलती हैं और लगभग 7 पुलिस वालों की एक साथ मौत होती है, जिससे फिर से एक बार मातम का माहौल हो चुका था। अब इस बार जो तमिलनाडु सरकार थी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, दोनों साथ में मिलते हैं और दोनों चुनिंदा पुलिस ऑफिसर को भेजते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा था और एसटीएफ को बिल्कुल खुन्नस सवार हो गया था वीरप्पन पर, क्योंकि ये कोई जिससे सरकार पूरी हिल चुकी थी। लेकिन एमएम हिल्स के जंगलों में अभी भी उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। सबसे खतरनाक ऑफिसर को भेजा रैम्बो, जो कि जंगलों में रहता था और वो बिल्कुल लंबा चौड़ा काफी तगड़ा था। उसने वीरप्पन के जितने भी करीबी लोग थे उनको बहुत मारा, मतलब उनको टॉर्चर करता था और वीरप्पन का पता पूछता था। कई लोगों की मतलब इस चीज में जान चली गई। जैसे वीरप्पन को इस चीज की भनक लगी तो वीरप्पन को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वीरप्पन ने एक बोर्ड ऐसे लगवाया कि मतलब तुझ में हिम्मत है तो मुझसे ये कर वो कर, यहाँ जा। रैम्बो को इस चीज की भनक लगी तो सारे लोग रैम्बो पे हंसने लगे कि तुम्हें ऐसे वीरप्पन ने धमकी दी। तो रैम्बो ने कुछ बिना सोचे कुछ समझे अपनी टीम को लिया, बस से वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकल लिए एमएम हिल्स के जंगलों में। काफी तेज आगे बढ़ती हुई जा रही थी। वीरप्पन ने पहले से प्लान बना रखा था कि हमें क्या करना है। बारूद बिछा रखा था रास्ते में। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बस एमएम हिल्स के जंगलों में अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, धाएं चीजें सन्नाटा हो जाती है। फिर जब वहां पर ढेर और ज्यादा पुलिस वाले पहुंचते हैं तो पता लगता है हर तरफ लाशें ही लाशें, पेड़ों पर अतड़ियां पचड़ियां सबकी एक तरफ से पड़ी हुई हैं, जिसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया लोगों में। तो वहां के जितने भी लोग थे वहां के गोपीनाथम विलेज के, उनको काफी ज्यादा जुल्म सहना पड़ता था। इसके बाद वहां पे आता है एक और ऑफिसर शंकर बिद्री, जो कि सबसे खतरनाक ऑफिसर था। वो वहां पर पहुंचता, उसने वहां पर एक वो बनाया था, उसमें उस गोपीनाथम इलाके में इलाके के लोगों को लेके जाता था, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, सब पे पीडीए लगा देता था, मतलब आतंकी की धारा, और उनको इतना टॉर्चर करता था, एक एक को इतना मारता था, बुरा हाल करता था, जिस पे शक हो उसको उठा ले, हर तरफ से ऐसे ही हाल करता। लेकिन अभी भी वीरप्पन का कोई भी अता पता नहीं था। अब वीरप्पन की भी एज हो चुकी थी, धीरे धीरे वीरप्पन कमजोर हो रहा। शंकर बिद्री जो ऑफिसर था उसने काफी ज्यादा नजर रखी थी। और वहां पे फिर एक और ऑफिसर आता है विजय, उन्होंने मतलब गांव का मतलब सारी जगहों पे राशन वालों से पूछताछ करता था कि कहीं राशन जंगल में ना जाए, जिससे वो लोग कुछ खा पी ना पाए, ये ना कर पाए, वो ना कर पाए। और जिस पे शक होता था वाले उसको उठाते थे और उसको बहुत मारते थे। अदा हुआ, एक पत्रकार था वो जंगल में चला गया था घूमने के लिए, उसे वीरप्पन मिल गया और पत्रकार ने वीरप्पन की ऐसे फोटो खींचने के लिए बोला। वीरप्पन ने बोला हाँ तुम्हें मेरी फोटो खींचनी है, मतलब वीरप्पन डरा नहीं, वीरप्पन ने खुद ही फोटो खिंचाई। और पहली बार वीरप्पन को देखा था वहां के लोगों ने कि कैसा दिखता है, और उसकी टीम की भी फोटो आ गई थी, तो सारे अखबार सारे पेपर में अब पता लग गया था। तो वहां की जो सर्च टीम होती थी उतने लोगों की फोटो में पता करते थे कौन कौन इसका जानने वाला रिश्तेदार, यहाँ तक दूर के रिश्तेदारों तक को उठा लिया था। अपने यही गलती की थी कि क्योंकि उसने अखबार में फोटो खिंचा दी थी, जिससे उस पर काफी ज्यादा मुश्किलें आ। टॉर्चर को देखकर वीरप्पन जो होता है वो कहता है कि ये लोग मुझे पकड़ने कोई नहीं, लेकिन मेरी वजह से ये गांव वालों को ऐसे दुख दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत लग रहा है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पर फिर कहता है कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे दोनों तमिलनाडु की सरकार और कर्नाटका की सरकार दोनों घुटने पे आ जाएगी। उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। सन 2000 में उन्होंने कर्नाटका के एक फेमस सुपरस्टार राजकुमार को पकड़ लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, के लोग उनको काफी ज्यादा प्यार करते थे, पूरे में प्रोटेस्ट होने लगते हैं, दोनों सरकार
काफ़ी ज़्यादा घुटने पे आ जाती हैं। वो अपनी कई मांगे रखता है कि जितने भी तुम गांव वालों को अरेस्ट किया है उनको छोड़ो, तो उनके लिए कई उनको छोड़ा जाता है। और वीरप्पन ने उस सुपरस्टार को कुछ नहीं किया, उनको भी छोड़ देता है। फिर सारी चीज़ें सही चलती हैं, लेकिन जो पुलिस की सर्च टीम थी अभी भी वीरप्पन को खोज ही रही थी, लेकिन वीरप्पन कहीं भी नहीं पता चल रहा था। उस गांव में अपने मुखबिर को रखना शुरू किया कि जो भी वीरप्पन की खबर लाएगा हम उसको पैसे देंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो काफ़ी ज़्यादा वीरप्पन के खबरी बन चुके थे वहाँ पर। वीरप्पन की जो आँख है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, उसको दिखना काफ़ी धुंधला दिखने लगा है। तो वीरप्पन कहता है कि मेरे को कोई डॉक्टर बुलाओ, यहाँ पर मेरा ऑपरेशन कर दे, आँख का सही हो जाए। लेकिन जंगल में ऑपरेशन करना उतना वो नहीं था, तो इसके लिए वीरप्पन निकलने का सोचता है। और यहाँ पर खबरियों के द्वारा एसटीएफ को पल पल की खबर हो रही थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। एसटीएफ क्या करता है, बंदों में बनकर एक एम्बुलेंस रात को मंगवाता है, लगभग 12 के करीब वीरप्पन आता है और उसी एम्बुलेंस में बैठ जाता है। और जो एम्बुलेंस थी एसटीएफ का एक आदमी चला रहा था, वीरप्पन के चार साथी उसमें बैठे थे बंदूक लेकर। एम्बुलेंस थी आगे बढ़ती जा रही थी। वीरप्पन को इतना सा भी शक नहीं हुआ कि ऐसा वैसा कुछ मसला है। धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, तभी एक जगह पर एक गन्ने की बड़ी सी ट्रॉली होती है, वहाँ एम्बुलेंस स्लो होने लगती है। तो फिर भी जो वीरप्पन था उसको उतना वो नहीं हुआ कि हाँ शायद ट्रॉली है, जैसे ही निकलेगी हम लोग चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही था, वो एकदम स्लो हुई और उसका गेट खुला, जो ड्राइवर था निकल कर भाग गया। और उसने जो पीछे की लाइट थी काफ़ी तेज चारों लाइट जला दी और अचानक से जो एसटीएफ की टीम थी फायरिंग करना चालू कर देती है उस एम्बुलेंस में। धड़ चारों तरफ से फायरिंग होती है और ये फायरिंग 15 मिनट तक चलती है। थोड़ी देर बाद खबर आती है सबसे खतरनाक डाकू वीरप्पन मारा गया एसटीएफ के द्वारा। ये खबर जैसे ही उनको मतलब एक सुकून सा मिला कि चलो इस जंग का अंत हुआ, हर तरफ खून खराबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना।